नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो है पोस्ट कोड 15/17 स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि DSSSB ने पोस्ट कोड 15/17 में कुछ कैंडिडेट्स जिनके पास सीटेट क्वालिफिकेशन नहीं था या कोई और वजह से उनका रिजेक्शन हो गया था, उनको वन टाइम एज रिलैक्सेशन और सीटेट रिलैक्सेशन दिया गया था, जिसके बाद DSSSB ने उनके डोजर अपलोड करवाए थे और उनका फाइनल सिलेक्शन हुआ था। तो इसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है। उन सभी कैंडिडेट्स जिनके डोजर SGMC पहुंच गए थे, तो SGMC ने उन सभी कैंडिडेट से MCD प्रेफरेंस मांगी है, जिसका नोटिस SGMC ने जारी किया है। आइए पढ़ते हैं नोटिस में क्या लिखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पब्लिक नोटिस है। इंस्ट्रक्शन फॉर स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी रिकमेंडेड बाय DSSSB अंडर पोस्ट कोड 15/17। तो दोस्तों, यहाँ पर लिखा है, द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव प्रेफरेंस ऑफ कॉरपोरेशन अलॉन्ग विद प्रेजेंट एड्रेस लेटेस्ट बाय 5th day of March 2021 थ्रू स्पीड पोस्ट और बाय हैंड ओनली ऑन फॉलोइंग एड्रेस। तो 5 मार्च 2021 तक आपको अपनी प्रेफरेंस भेजनी है थ्रू स्पीड पोस्ट और बाय हैंड, या तो स्पीड पोस्ट से भेजनी है या फिर बाय हैंड आपको इस एड्रेस पर जाना है सिविक सेंटर का, जो एड्रेस यहाँ पर लिखा है, श्री कवलजीत सिंह, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन टीचर रिक्रूटमेंट सेल, एजुकेशन डिपार्टमेंट, साउथ DMC, 23rd फ्लोर, डॉक्टर SPM सिविक सेंटर। तो ये एड्रेस है, इस पर आपको या तो स्पीड पोस्ट करना होगा या फिर बाय हैंड जाकर अपनी MCD की प्रेफरेंस वहाँ पर जमा करनी होगी। इफ़ नो रिस्पॉन्स इज रिसीव्ड फ्रॉम एनी कैंडिडेट बाय ड्यू डेट, इट विल बी अज्यूम दैट ही शी हैज़ नो प्रेफरेंस फॉर एनी स्पेसिफिक कॉरपोरेशन एंड द केस विल बी डिसाइडेड एज पर द रूल्स इन वोग। तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर आप प्रेफरेंस नहीं भेजते हैं तो ये माना जाएगा कि आपको प्रेफरेंस आपके लिए MCD की कोई प्रेफरेंस आपकी तरफ से नहीं भेजी जा रही है, तो SGMC अपने हिसाब से आपको MCD अलॉटमेंट कर देगी। द रिक्वेस्ट फॉर एलोकेशन ऑफ कॉरपोरेशन शुड बी गिवन इन द एनक्लोज परफॉर्मा ओनली। तो जो आपको प्रेफरेंस भेजनी है वो जो परफॉर्मा यहाँ पर दिया गया है उसी के हिसाब से भेजनी है। नोट वन है यहाँ पर, द एनवेलप ऑफ योर रिप्लाई शुड सुपरस्क्राइब द फॉलोइंग प्रेफरेंस ऑफ कॉरपोरेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी रोल नंबर। अगर आप स्पीड पोस्ट से अपनी प्रेफरेंस भेजने वाले, तो आपको एनवेलप के ऊपर ये लाइन लिखनी होगी जो यहाँ पर लिखी है, प्रेफरेंस ऑफ कॉरपोरेशन फॉर द पोस्ट स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी। इसके बाद आपको अपना रोल नंबर भी लिखना होगा, ये आपको अपने एनवेलप के ऊपर लिखना होगा। नोट टू है, एक्सरसाइजिंग ऑप्शन ऑफ कॉरपोरेशन डजंट एंटाइटल यू टू मेक एनी क्लेम फॉर द अपॉइंटमेंट इन दैट कॉरपोरेशन, ओनली आफ्टर फुलफिलिंग All the requisite eligibility criteria as laid down in the recruitment rules, the offer of appointment will be issued by respective corporation. तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो आपसे प्रेफरेंस मांगी जा रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपॉइंटमेंट के लिए क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद प्रेफरेंस मांगने के बाद अगर आप पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि रिक्रूटमेंट रूल के हिसाब से पूरा करते हैं, तभी आपको ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट आपके रिस्पेक्टिव कॉरपोरेशन द्वारा ऑफर किया जाएगा। तो ये लेटर है जिसका प्रिंट निकालकर आपको इसे भरकर SGMC सिविक सेंटर पर बाय पोस्ट या बाय हैंड जमा करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, टू असिस्टेंट डायरेक्टर टीचर रिक्रूटमेंट सेल है, सब्जेक्ट है प्रेफरेंस फॉर पोस्टिंग इन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी रिकमेंडेड बाय DSSSB अंडर पोस्ट कोड 15/17। सर मैडम, आई हैव बीन सेलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी अंडर पोस्ट कोड 15/17, अकॉर्डिंगली आई एम गिविंग माई प्रेफरेंस ऑफ कॉरपोरेशन हेयर अंडर। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है कैपिटल लेटर्स में, DSSB रिजल्ट सीरियल नंबर, जो जिस रिजल्ट नोटिस में आपका सिलेक्शन हुआ है उसमें आपके रोल नंबर का जो सीरियल नंबर है या तो यहाँ पर वो आएगा, या फिर जिस नोटिस का DSSB जो नोटिस नंबर है, मान लीजिए DSSB रिजल्ट के नोटिस नंबर निकालता है जिस पर सबसे ऊपर लिखा होता है DSSB रिजल्ट नंबर या नोटिस नंबर, जैसे 527 या 1257, तो यहाँ पर दोनों चीज़ें आ सकती हैं, एक तो आपके रोल नंबर जिस सीरियल पर है वो उसका सीरियल नंबर, या फिर DSSB का जो नोटिस नंबर है जिस नोटिस के तहत आपका रिजल्ट आया है वो नंबर। तो आप यहाँ पर कंफ्यूज ना होएं, दोनों चीज़ें यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो दोनों चीज़ें लिख देंगे तो कन्फ्यूजन वाली स्थिति नहीं बनेगी। आपकी जो कैटेगरी है, जिस कैटेगरी के तहत आपका सिलेक्शन हुआ है, वो यहाँ पर आपको लिखनी है। आपको अपना DSSB का रोल नंबर लिखना है, प्रेजेंट एड्रेस जहाँ पर आप अभी रह रहे हैं वो यहाँ पर आपको लिखना है। इसके बाद तीनों कॉरपोरेशन यहाँ पर लिखनी है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, जो भी आप लेना चाहते हैं, जो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप उसे फर्स्ट नंबर पर रखें, उसके बाद सेकंड और फिर थर्ड।
यहाँ पर ये लिखा गया है यू मस्ट फर्निश ऑल द प्रेफरेंस, यानी कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप सिर्फ एक ही एमसीडी भर दें, यानी जो भी एमसीडी मान लीजिए आपको एसडीएमसी चाहिए तो फर्स्ट पर आप एसडीएमसी भर दें और बाकी ब्लैंक छोड़ दें, ऐसा नहीं चलेगा। इसके बाद आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर यहाँ पर भरना होगा। इसके बाद आपको अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर जो वर्किंग है वो डालना होगा और एक फ़ोटो आईडी प्रूफ आपको फोटोकॉपी उसकी लगानी होगी, और जो भी फोटो आईडी प्रूफ आप लगाने वाले हैं वो यहाँ पर मेंशन करनी होगी, आधार कार्ड या पैन कार्ड या जो भी आप लगा रहे हैं। कोशिश करें कि आप अपना आधार कार्ड ही यहाँ पर फोटोकॉपी में लगाएं, और आपको फुल सिग्नेचर करने हैं और डेट भी यहाँ पर डालनी होगी। सिग्नेचर यहाँ पर आपको रनिंग हैंड में ही करने चाहिए। तो इसका प्रिंट निकालकर या तो आपको बाय हैंड एनवलप में डालकर या फिर बाय पोस्ट आपको एसडीएमसी सिविक सेंटर में भेजना होगा 5 मार्च से पहले। ये 49 कैंडिडेट्स हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है DSSSB के द्वारा, जिनको सीटेट और एज रिलैक्सेशन या कोई भी और रिलैक्सेशन दिया गया है वन टाइम के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके रोल नंबर, नाम, फादर्स नेम और इनकी कैटेगरी इनके नाम के आगे लिखी है। सबसे पहला जो नाम है वो निकिता कार्ड है, पिताजी का नाम श्याम सुंदर और कैटेगरी अनरिजर्वड है। तो बाकी सभी कैंडिडेट्स के नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं। सभी कैंडिडेट्स, सभी 49 कैंडिडेट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। इनके माता पिता को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। तो सभी कैंडिडेट जो ये वीडियो देख रहे हैं जिनका सिलेक्शन इस पोस्ट कोड के अंदर हुआ है, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी और ये समझ आ गया होगा आप कि आपको प्रेफरेंस किस प्रकार भेजनी है। अगर आपके कोई डाउट हैं तो आप कमेंट हैं। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और टीचिंग पोस्ट की सभी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।